जब से हमने इन्वेस्टिंग से जुड़े वीडियोस बनाने शुरू किए हैं तब से एक सवाल जो कॉमन रहता है वो है इंडेक्स फंड्स के बारे में बताइए। सो हियर वी आर। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेधा और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोश मनी। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इंडेक्स फंड्स की, तो बिना स्किप किए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि सबसे चिल, इजी और बहुत फायदेमंद है वो है इंडेक्स फंड्स। सच कहूं तो जो लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं उनका सपना होता है कि उनका भी पोर्टफोलियो बिल्कुल राकेश झुनझुनवाला या फिर वॉरेन बुफे की तरह हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं कि ऐसा सबके साथ नहीं हो सकता। तो ऐसे में दुविधा का जवाब है इंडेक्स फंड्स, जिसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करिए कि एक बास्केट है जिसमें मीठे फल रखे हुए हैं, तो ये जो बास्केट है वो रिप्रेजेंट करेगा इंडेक्स लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी को, और जो फल रखे हैं वो रिप्रेजेंट करेगा स्टॉक्स को। या एक और एग्जांपल, जैसे अक्सर हम सुनते रहते हैं कि आज मार्केट 2% ऊपर गया या 1% नीचे आया है, तो यहाँ पर बात मार्केट की नहीं बल्कि इंडेक्स की हो रही होती है। और इंडिया में मेनली दो इंडेक्स फॉलो किए जाते हैं जो है सेंसेक्स और निफ्टी। और ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये दो ही इंडेक्स होते हैं, और भी होते हैं जैसे नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, S&P 100, सेक्टोरल इंडाइसेस एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि सेंसेक्स इंडिया की 30 सबसे बड़ी कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है और निफ्टी इंडिया की 50 बड़ी कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी पैसा हम इन इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो होता है इंडेक्स फंड्स। अब शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो म्यूचुअल फंड्स की जैसा ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में सिमिलैरिटीज तो हैं लेकिन डिफरेंसेस भी हैं। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर हमारे फंड को अपने हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इंडेक्स फंड्स में अगर कोई इंडेक्स कह रहा है कि हम सिर्फ निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे पैसे सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही लगाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि इंडेक्स फंड्स में ये मैंडेटरी हो जाता है कि हमारा फंड सिर्फ इसी पर्टिकुलर इंडेक्स में ही इन्वेस्ट होगा। अब जानते हैं कि इंडेक्स फंड कैसे काम करते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड भी एक तरह के म्यूचुअल फंड ही होते हैं। तो यहाँ पर भी पहले इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इन फंड्स को पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब आपका सवाल होगा कि वो कैसे, तो इसका जवाब है वो फंड जिस भी इंडेक्स को फॉलो कर रहा होगा उसमें ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। सपोज कि वो फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 को फॉलो कर रहा है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं और उन स्टॉक्स का जितना भी वेटेज है वो फंड उतने उतने स्टॉक्स खरीदेंगे। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा इंडेक्स फंड समझ आ ही गया होगा। तो चलिए अब इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। पहले इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट किया जाता है और उन फंड्स का एक पूल बनाया जाता है। उसके बाद फंड मैनेजर ये डिसाइड करते हैं कि ये पैसे किन किन स्टॉक्स में लगाए जाएंगे, कब कौन सा शेयर खरीदना है, कब कौन सा शेयर बेचना है। फंड मैनेजर ये सारा बैलेंसिंग करते रहते हैं जो कि पूरी तरह से मार्केट की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स एक तरह के एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, जिसमें कि फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के बेसिस पर स्टॉक्स खरीदते हैं और उन्हें सेल करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ एक्टिविटी ज्यादा रहती है, जबकि इंडेक्स फंड्स को हम पैसिव फंड कहते हैं, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को कुछ खास रिसर्च नहीं करनी पड़ती, उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करना होता है। अब अगर हम यहाँ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो बैलेंसिंग होती रहती है, जबकि इंडेक्स फंड में पोर्टफोलियो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वार्टरली ही चेंज होते हैं, क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो पूरी तरह से इंडेक्स के चेंजेस पर ही डिपेंड करता है। अब जानते हैं एक और जरूरी पैरामीटर के बारे में जो कि म्यूचुअल फंड में बहुत जरूरी होता है,
वो है एक्सपेंस रेशो। तो अगर हम यहाँ म्यूचुअल फंड की बात करें तो क्योंकि ये एक पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग है और फंड मैनेजर इसमें पूरी तरह से एफर्ट लगाते हैं, उनकी पूरी रिसर्च लगती है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिट एक्सपेंसेस होते हैं, तो इसलिए इसमें 1-1.5% तक का एक्सपेंस रेशो होता है। वहीं अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो क्योंकि इसमें रिसर्च और एफर्ट कम होता है तो एक्सपेंस रेशो भी इसमें कम होता है, जो कि नॉर्मली 0.1% to 0.3% होता है। तो आपको मोटा मोटा समझ आ ही गया होगा इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। इंडेक्स फंड्स के बारे में वॉरेन बफे ने भी एक बार कहा था कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वॉरेन बफे हमेशा ही अपने न्यूज़लेटर में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की बात करते रहते हैं, क्योंकि एक तो इसमें एक्सपेंस रेशो कम है और दूसरा ये कि म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ये प्रॉफिटेबल होते हैं। अब जानते हैं एक सबसे जरूरी सवाल के बारे में, जो है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें आप किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान यही रखना होगा कि आप ऐसे ही ऐप से इन्वेस्ट करें जहां कमीशन ना देना पड़े या फिर कम से कम देना पड़े। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही इंडेक्स फंड से जुड़े अपने सवाल भी हमसे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। वी विल बी हैप्पी टू आंसर देम ऑल। थैंक यू।